कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन या रूप को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है, पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यह किसी भी संक्रामक बीमारी का एक सामान्य हिस्सा है। कोविड का नया स्ट्रेन ब्रिटेन के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में भी फैल रहा है, जो ब्रिटेन वाले स्ट्रेन से बिल्कुल अलग है। WHO की आपात स्थिति के प्रमुख माइक रायन ने कहा कि हमें एक संतुलन बनाए रखना होगा, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। वायरस जितना भी खतरनाक हो, लोगों को बताना जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी बात है कि यह वायरस का मात्र एक सामान्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम इस वायरस को बारीकी से ट्रैक करने में सक्षम हैं। इसकी सावधानी पूर्वक की गई वैज्ञानिक पहचान दुनिया के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इस तरह की निगरानी करने वाले देशों की प्रशंसा होनी चाहिए। वहीं WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम ने कहा कि ब्रिटेन में फैल रहा कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक जरूर है, लेकिन फिलहाल इसके ज्यादा घातक होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से यूरोपीय संघ समेत दुनिया के 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन की सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वायरस के नए वेरिएंट की वजह से ब्रिटेन के कई राज्यों में लॉकडाउन लागू करना पड़ा है। ब्रिटेन में सामने आए कोविड के नए वेरिएंट से दुनिया भर में डर का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि और ज्यादा सुरक्षा बरतने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में संक्रामक रोगों की तकनीकी प्रमुख मारिया वान का कहना है कि ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने वायरस के नए वेरिएंट की जांच की है। ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या इस नए वेरिएंट की वजह से मौतों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि शोधकर्ता वायरस के नए वेरिएंट के लिए एंटीबॉडी पर भी काम कर रहे हैं। अब तक के शोध में पता चला है कि वायरस के इस नए स्ट्रेन की संक्रामक क्षमता ज्यादा है। मसलन कोरोना के पहले स्ट्रेन में औसतन 1.1 लोगों को संक्रमित करने की क्षमता थी, जबकि नए स्ट्रेन के फैलने की क्षमता 1.5 है। यानी आसान भाषा में कहें तो इस नए स्ट्रेन से संक्रमित एक मरीज औसतन 1.5 लोगों में संक्रमण फैला सकता है। ब्रिटिश शोधकर्ता ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने आशंका जताई कि ऐसा मुमकिन है कि कोविड का ये स्ट्रेन सितंबर महीने में ही शुरू हुआ हो। इस बीच खबर है कि ब्रिटेन से सोमवार रात भारत आई एक फ्लाइट में 266 लोग सवार थे, जिसमें 5 पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी के नमूने लेकर जांच और विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भेजा गया है। सभी मरीजों को कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। सैंपल की जांच पड़ताल के बाद ही साफ होगा कि ये 5 यात्री कोविड के नए स्ट्रेन से संक्रमित हैं या पहले स्ट्रेन की ही चपेट में हैं। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज़।